एक्ट्रेस वैशाली टक्कर मामले में एक बार फिर से एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कोर्ट का फैसला सामने आया है। जी हाँ, इस पूरे मामले में कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है, जिसमें कोर्ट ने सबूतों की कमी होने की वजह से एक्ट्रेस वैशाली टक्कर मामले में मुख्य आरोपी राहुल नवलानी को जमानत दे दी है। आपको बता दें कि राहुल नवलानी पिछले 3 महीने से जेल में बंद था और अब उसे कोर्ट ने सबूतों की कमी के वजह से जमानत दे दी है। आपको बता दें कि वैशाली टक्कर ने अपने इंदौर के मकान में खुद जान ले ली थी, जिसके बाद 5 पन्नों का नोट भी वैशाली ने छोड़ा था, जिसपे राहुल नवलानी पर आरोप लगाया गया था। उस नोट में साफ तौर पर लिखा हुआ था कि राहुल नवलानी की वजह से वो इतना बड़ा कदम उठा रही हैं, और साथ में इस पूरे मामले में दिशा नवलानी, जो कि राहुल नवलानी की पत्नी थी, उन पर भी गहरे आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। और अब इस केस में बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको एक बार फिर से बता दें कि राहुल नवलानी, जो कि वैशाली टक्कर मामले में मुख्य आरोपी है, उसे जमानत मिल चुकी है। इस जमानत का फैसला सुनाते ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सबूतों की कमी है इस पूरे केस में, इस वजह से राहुल को जमानत दी जा रही है। इस पूरे फैसले के बाद वैशाली के परिवार को एक बड़ा झटका लगा है। वैशाली का परिवार इस पूरे गम से जहां उबर नहीं पाया था, तो वहीं 3 महीने बाद अब इस पूरे केस में फैसला सामने आ चुका है और राहुल नवलानी अब इस पूरे केस में बरी हो चुका है। अब देखना ये होगा कि आगे वैशाली का परिवार क्या इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के जाता है, या फिर जेल के बाहर ही रहेगा राहुल नवलानी।